सो हे गाइस, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी लोगों का एक और नए वीडियो में। पोकेमोन वर्ल्ड में ऐसे काफी सारे पोकेमोन है जिनके पास अलग अलग फॉर्म्स है और वो अपना फॉर्म चेंज कर सकते हैं, और आज हम ऐसे टॉप 20 पोकेमोन को देखने वाले हैं जिनके पास मल्टीपल फॉर्म्स है। डेफिनेटली वीडियो काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग होगी। लाइक करना मत भूलना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ऑल पे सेट कर देना। अब वीडियो को स्टार्ट करते हैं, लेट्स गेट स्टार्टेड। स्टार्ट करते हैं नंबर वन के साथ। नंबर वन, मार्शैडो। मार्शैडो एक फाइटिंग और घोस्ट टाइप का मिथिकल पोकेमोन है जेन 7 अलोला से। मार्शैडो नॉर्मली इस तरह का दिखता है, बट उसके पास एक और फॉर्म है जो कि है जेनिथ मार्शैडो। इस फॉर्म में वो तब जाता है जब वो कोई अटैक करे, जिसके बाद उसकी फ्लेम्स ग्रीन हो जाती है। नंबर टू, पालियन टॉरस। पालियन टॉरस के पास तीन फॉर्म्स होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। ये तीनों परमानेंट फॉर्म है। सबसे पहला है कॉम्बैट ब्रीड, जिसमें इसकी टाइपिंग प्योर फाइटिंग टाइप होती है। सेकंड है ब्लेज ब्रीड, जहां पर इसकी टाइपिंग फाइटिंग और फायर टाइप होती है। वहीं पर थर्ड है एक्वा ब्रीड, जहां पर इसकी टाइपिंग फाइटिंग और वाटर टाइप होती है। नंबर थ्री, अननोन। अननोन एक प्योर नॉर्मल टाइप पोकेमोन है जेन 1 कैंटो रीजन से। ये सबसे पहला ऐसा पोकेमोन है जिसके पास मल्टीपल फॉर्म्स थे। अननोन के 28 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता, जिनमें से 26 फॉर्म हर एक अल्फाबेट के तरह दिखते हैं। आगे जाके जेन 3 में दो और फॉर्म्स को इंट्रोड्यूस करवाया गया अननोन के। सबसे पहला था क्वेश्चन मार्क फॉर्म और सेकंड था एक्सक्लेमेशन मार्क फॉर्म। नंबर फोर, कास्ट फॉर्म। कास्ट फॉर्म एक प्योर नॉर्मल टाइप पोकेमोन है जेन 3 होइन रीजन से। इसके पास चार फॉर्म्स होते हैं जो कि वेदर पर डिपेंड करते हैं। अगर नॉर्मल वेदर है तो ये अपने नॉर्मल फॉर्म में होगा, जिसमें इसकी टाइपिंग नॉर्मल टाइप होगी। अगर काफी तेज धूप है तो ये अपने सनी फॉर्म में चले जाएगा, जिसमें इसकी टाइपिंग फायर टाइप होगी। अगर बारिश हो रही है तो ये अपने रेनी फॉर्म में चले जाएगा, जहां पर इसकी टाइपिंग प्योर वाटर टाइप होगी। वहीं पर अगर बर्फ पड़ रही है तो ये अपने स्नोवी फॉर्म में चले जाएगा, जिसमें इसकी टाइपिंग प्योर आइस टाइप होगी। नंबर फाइव, डिओक्सियस। डिओक्सियस एक प्योर साइकिक टाइप पोकेमोन है जेन 3 होइन रीजन से। ये सबसे पहला ऐसा पोकेमोन था जिसके फॉर्म चेंज करने पर बेस स्टैट और अटैक चेंज होते थे। डिओक्सियस के पास चार फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला है नॉर्मल डिओक्सियस, जहां पर वो नॉर्मल होता है। सेकंड है अटैक फॉर्म डिओक्सियस, इस फॉर्म में जाने के बाद इसके अटैक बढ़ जाते हैं। फिर है डिफेंस फॉर्म डिओक्सियस, इस फॉर्म में जाने के बाद इसके डिफेंस स्टैट्स बढ़ जाते हैं। वहीं पर लास्ट है स्पीड फॉर्म डिओक्सियस, इस फॉर्म में जाने के बाद इसके स्पीड स्टैट्स बढ़ जाते हैं। नंबर सिक्स, चेरिम। चेरिम एक प्योर ग्रास टाइप पोकेमोन है जेन 4 सिनो से। इसके पास दो फॉर्म्स हैं। ये नॉर्मली हमेशा अपने ओवरकास्ट फॉर्म में होती है, पर जब धूप काफी ज्यादा हो तो ये चेंज हो जाती है अपने सनशाइन फॉर्म में। इस फॉर्म में जाने के बाद इसकी एबिलिटी फ्लावर गिफ्ट की वजह से इसके अटैक और स्पेशल डिफेंस स्टैट्स बढ़ जाते हैं। नंबर सेवन, गैस्ट्रोडॉन। गैस्ट्रोडॉन एक वाटर और ग्राउंड टाइप का पोकेमोन है जिसके पास दो फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला है वेस्ट सी फॉर्म और सेकंड है ईस्ट सी फॉर्म। ये दोनों परमानेंट फॉर्म होते हैं जिनको चेंज नहीं किया जा सकता। इन फॉर्म में जाने के बाद इनकी डिजाइन चेंज होती है, पर और कोई चेंज नहीं आता। नंबर एट, डियाल्गा पालकिया और गिराटिना। ये तीनों जेन 4 सिनो से लेजेंडरी पोकेमोन है जो कि क्रिएशन ट्रियो से बिलोंग करते हैं। इन तीनों के पास ओरिजिन फॉर्म है। माना जाता है कि पहले के टाइम में ये इसी तरह के दिखा करते थे। डियाल्गा एक स्टील और ड्रैगन टाइप पोकेमोन है जिसका ओरिजिन फॉर्म कुछ इस तरह का है। पालकिया वाटर और ड्रैगन टाइप पोकेमोन है जिसका ओरिजिन फॉर्म इस तरह का है। वहीं पर गिराटिना एक घोस्ट और ड्रैगन टाइप पोकेमोन है जिसका ओरिजिन फॉर्म इस तरह का है। नंबर नाइन, शेमिन। शेमिन एक प्योर ग्रास टाइप मिथिकल पोकेमोन है जेन 4 सिनो से। इसका सबसे पहला फॉर्म है लैंड फॉर्म, जहां पर इसकी टाइपिंग प्योर ग्रास टाइप होती है। वहीं पर इसका सेकंड फॉर्म है स्काई फॉर्म, जिसमें शेमिन तब जाती है जब एक स्पेशल फ्लावर का यूज किया जाए। इस फॉर्म में इसकी टाइपिंग ग्रास और फ्लाइंग टाइप होती है। नंबर 10, आर्सियस। आर्सियस एक नॉर्मल टाइप का मिथिकल पोकेमोन है जेन 4 सिनो से। इसको पोकेमोन वर्ल्ड का गॉड भी माना जाता है। आर्सियस के पास मल्टी टाइप एबिलिटी होती है, जिसका यूज करके वो 18 टाइपिंग के 18 अलग अलग फॉर्म में बदल सकता है। नंबर 11, ग्रीनिंजा। ग्रीनिंजा एक डार्क और वाटर टाइप का पोकेमोन है जेन 6 कैलोस रीजन से। नॉर्मल ग्रीनिंजा के पास कोई भी फॉर्म नहीं होता, बट एश के ग्रीनिंजा के पास बॉन्ड एवोल्यूशन था, जो कि एक यूनिक फॉर्म है। इस फॉर्म में जाने के बाद एश और ग्रीनिंजा की सोल एक हो जाती है। ग्रीनिंजा के बेस स्टैट 110 पॉइंट से बढ़ते हैं। वो काफी ज्यादा पावरफुल हो जाता है और जायंट वाटर शुरिकेन का भी यूज कर सकता है। नंबर 12, हुपा। हुपा एक साइकिक और घोस्ट टाइप का मिथिकल पोकेमोन है जेन 6 कैलोस रीजन से। हुपा के पास भी दो फॉर्म्स होते हैं। सबसे पहला इसका नॉर्मल फॉर्म जो कि है हुपा कन्फाइंड फॉर्म। सेकंड है हुपा अनबाउंड फॉर्म, जिसमें जाने के लिए इसको प्रिजन बॉटल की जरूरत होती है। इसकी टाइपिंग साइकिक और डार्क टाइप हो जाती है, और इस फॉर्म में जाने के बाद इसके पास एबिलिटी आ जाती है कि वो अपने रिंग से किसी भी पोकेमोन को समन कर सकता है। नंबर 13, लाइकनरॉक। लाइकनरॉक एक प्योर रॉक टाइप का पोकेमोन है जेन 7 अलोला रीजन से। लाइकनरॉक के पास तीन फॉर्म्स होते हैं। अगर आप रॉकरफ को रात के टाइम में इवॉल्व करते हो तो वो इवॉल्व हो जाएगा मिडनाइट फॉर्म लाइकनरॉक में। वहीं पर अगर आप अपने रॉकरफ को दिन के टाइम में इवॉल्व करते हो तो वो इवॉल्व हो जाएगा मिडडे फॉर्म लाइकनरॉक में। थर्ड फॉर्म है डस्क फॉर्म लाइकनरॉक, जिसके लिए आपको एक स्पेशल रॉकरफ चाहिए होता है, जिसका नाम है ओन टेम्पो रॉकरफ। इसको शाम के एक स्पेसिफिक टाइम में आप लोग डस्क फॉर्म लाइकनरॉक में इवॉल्व कर सकते हो। ये सबसे ज्यादा रेयर फॉर्म है लाइकनरॉक का।
नंबर 14 मिमिक्यू। मिमिक्यू एक घोस्ट और फेरी टाइप की पोकेमोन है जेन 7 अलोला रीजन से। मिमिक्यू के पास दो फॉर्म्स होते हैं, सबसे पहला है डिस्गाइज्ड फॉर्म, वहीं पर सेकंड है बस्टेड फॉर्म। नॉर्मली ये अपने डिस्गाइज्ड फॉर्म में होती है, पर अगर बैटल के अंदर इसको एक अटैक लग जाता है तो ये अपने बस्टेड फॉर्म में चले जाती है। नंबर 15 नेक्रोज्मा। नेक्रोज्मा एक प्योर साइकिक टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है जेन 7 अलोला रीजन से। नेक्रोज्मा के पास तीन फॉर्म्स है, सबसे पहले अगर ये सुलगैलियो के साथ फ्यूज होता है तो ये बन जाता है डस्क मेन नेक्रोज्मा, जिसमें इसकी टाइपिंग साइकिक और स्टील टाइप होती है। अगर नेक्रोज्मा लुनाला के साथ फ्यूज होता है तो ये बन जाता है डॉन विंग्स नेक्रोज्मा, जहां पर इसकी टाइपिंग साइकिक और घोस्ट टाइप हो जाती है। इसके अलावा इसका थर्ड फॉर्म है अल्ट्रा नेक्रोज्मा, जो कि इसका सबसे ज्यादा पावरफुल फॉर्म है। इस फॉर्म में इसकी टाइपिंग साइकिक और ड्रैगन टाइप होती है। नंबर 16 जायगार्ड। जायगार्ड एक ड्रैगन और ग्राउंड टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है जेन 6 कैलोस रीजन से। इसके पास पांच फॉर्म्स है, जो कि है जायगार्ड सेल, जायगार्ड कोर, जायगार्ड 10% फॉर्म, जायगार्ड 50% फॉर्म और फाइनली जायगार्ड का कंप्लीट फॉर्म। ये कौन से फॉर्म में होगा वो इस पे डिपेंड करता है कि इसके कितने सारे सेल एक साथ जुड़े हुए हैं। नंबर 17 विविलियन। विविलियन एक बग और फ्लाइंग टाइप की पोकेमोन है जेन 6 कैलोस रीजन से। इसके पास 18 अलग अलग फॉर्म्स होते हैं जो कि परमानेंट होते हैं। इसका आपको कौन सा फॉर्म मिलेगा वो डिपेंड करता है कि आप रियल लाइफ में कौन से लोकेशन पर पोकेमोन गेम खेल रहे हो। नंबर 18 रोटॉम। रोटॉम एक इलेक्ट्रिक और घोस्ट टाइप का पोकेमोन है जेन 4 सिनो रीजन से। रोटॉम के पास 6 फॉर्म्स होते हैं, जो कि इस चीज पर डिपेंड करता है कि ये कौन सा नया अटैक सीख रहा है और ये कौन से चीज में चेंज होना चाहता है। सबसे पहला तो इसका नॉर्मल फॉर्म है, सेकंड है हीट रोटॉम। इसमें रोटॉम तब चेंज होता है जब इसको ओवरहीट अटैक आ जाए, इसमें यह माइक्रोवेव ओवन की तरह दिखने लगता है। इसकी टाइपिंग इलेक्ट्रिक और फायर टाइप होती है। नेक्स्ट है वॉश रोटॉम, जहां पर यह वॉशिंग मशीन की तरह दिखने लगता है। इसमें रोटॉम तब चेंज होता है जब इसको हाइड्रो पंप अटैक आ जाए, इसमें इसकी टाइपिंग इलेक्ट्रिक और वाटर टाइप होती है। फिर है फ्रॉस्ट रोटॉम, इसमें इसकी टाइपिंग इलेक्ट्रिक और आइस टाइप होती है, इसमें ये एक फ्रिज के तरह दिखता है। इस फॉर्म में रोटॉम ब्लिजर्ड अटैक सीखने के बाद चेंज होता है। नेक्स्ट है फैन रोटॉम, जो कि एक फैन के तरह दिखता है। इसमें रोटॉम तब चेंज होता है जब इसको एयर स्लैश अटैक आ जाए, इसमें इसकी टाइपिंग इलेक्ट्रिक और फ्लाइंग टाइप होती है। और फाइनली लास्ट है मोरोटॉम, जिसमें इसकी टाइपिंग इलेक्ट्रिक और ग्रास टाइप होती है। इसमें यह तब चेंज होता है जब इसको लीफ स्टॉर्म अटैक आ जाए। नंबर 19 मेलोएटा। मेलोएटा एक नॉर्मल और साइकिक टाइप पोकेमोन है जेन 5 यूनोवा रीजन से। इसके पास दो फॉर्म्स होते हैं, नॉर्मली ये आर्या फॉर्म में होती है, बट अगर ये रेलिक सॉन्ग अटैक का यूज कर ले तो ये अपने पायरुएट फॉर्म में चेंज हो जाती है, जिसमें इसकी टाइपिंग नॉर्मल और फाइटिंग टाइप है। और फाइनली नंबर 20 क्यूरेम। क्यूरेम एक ड्रैगन और आइस टाइप का लेजेंडरी पोकेमोन है जेन 5 यूनोवा रीजन से। इसके पास तीन फॉर्म्स होते हैं, जब क्यूरेम रेशिराम के साथ फ्यूज होता है तो यह बन जाता है व्हाइट क्यूरेम, वहीं पर जैक्रोम के साथ फ्यूज होने पर यह ब्लैक क्यूरेम बन जाता है। इन सारे फॉर्म में इसकी टाइपिंग सेम रहती है। वेल तो गाइस यही था आज के इस वीडियो में। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलना, साथ में चैनल को सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे सेट कर देना। एंड दोबारा मिलेंगे एक और ऐसे ऑसम वीडियो के साथ। अंटिल देन पीस आउट।